हेलो फ्रेंड्स, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुकुरताल से एक बार फिर हम हाजिर हैं ये वीडियो लेकर के। ये वीडियो सुकुरताल का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम कारगिल वीर बलिदानी स्मारक एवं हनुमत धाम नक्षत्र वाटिका के बारे में जानेंगे। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में 18,000 फीट की ऊंची कठिन पहाड़ियों पर 84 दिन तक भीषण युद्ध चला था। उस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की याद में एक शहीद स्मारक शुक्रताल में पवित्र गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। इस शहीद स्मारक में कारगिल युद्ध के शहीद हुए वीर सैनिकों के नाम अंकित हैं। सितंबर सन 2000 को हरियाणा राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस शहीद स्मारक का शिलान्यास किया था। इसके परिसर में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस एवं शहीद आजम भगत सिंह की मूर्तियां भी स्थापित हैं। सन 1999 का वो कारगिल युद्ध कौन हिंदुस्तानी भूला होगा, जब मई और जुलाई के बीच भारत पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। पाकिस्तान के 5,000 से ज़्यादा सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कई टैंक जीत लिए। इनमें से ही एक टैंक मुजफ्फरनगर के शुक्रताल नामक तीर्थ स्थान पर आज भी भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाओं की याद दिलाता है। हनुमत धाम नक्षत्र वाटिका में प्रवेश करते ही दो पहरेदार दिखाई देते हैं, जो इस सुंदर नक्षत्र वाटिका के सुरक्षा प्रहरी की भांति प्रतीत होते हैं। इस नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन 8 अप्रैल सन 2001 को उत्तर प्रदेश राज्य के तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री ने किया था। भारतीय संस्कृति एवं ज्योतिष में वृक्षों एवं नक्षत्रों का विशेष महत्व है। हिंदू संस्कृति में केला, पीपल, बरगद, शमी, कदंब आदि वृक्षों की पूजा एवं उपासना अनादिकाल से की जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 9 ग्रह, 12 राशियां एवं 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों के लिए उपयुक्त वृक्षों को इस नक्षत्र वाटिका में रोपित किया गया है। नक्षत्र वाटिका में मनोरंजन के लिए मोर, मगरमच्छ, शेर, डायनासोर, जिराफ, हाथी आदि पशु पक्षियों की पाषाण प्रतिमाएं लगाई गई हैं। दिन भर बच्चे उत्साहपूर्वक इनके साथ खेलते हुए खूब फोटो खिंचवाते हैं। नक्षत्र वाटिका में मुख्यतः कुचिला, शमी, आम, नीम, कटहल, चीड़, शाल, बरगद, पीपल, आंवला, शीशम आदि के वृक्ष लगे हैं। अगर आप कभी शुक्रताल आएं, तो इस मनोहारी नक्षत्र वाटिका को देखना ना भूलें। प्रत्येक ग्रह और राशि के अपने वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र के भी अपने वृक्ष होते हैं। अर्थात ऐसे वृक्ष जिन पर उक्त ग्रहों का प्रभाव रहता है, उक्त ग्रह नक्षत्रों के कारण ही इन वृक्षों का जन्म होता है। आप जिस नक्षत्र में जन्मे थे, उस नक्षत्र का वृक्ष भी अलग होगा। जैसे चित्रा के लिए बेल, स्वाति के लिए अर्जुन, पुनर्वसा के लिए बांस आदि। सनातन हिंदू धर्म के वेद एवं पुराणों में कल्प वृक्ष का वर्णन मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का विशेष वृक्ष है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में एक कल्प वृक्ष भी था।
यह इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन में कर दी थी। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।